50 नई ई बसें अगले माह मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद 25 सितंबर तक राजधानी की सड़कों पर उतारने का लक्ष्य। अच्छी खबर, दिल्ली परिवहन निगम DTC के बेड़े में अब तेजी से बसों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में 97 नई ई बस शामिल होने के बाद 25 सितंबर तक इसमें 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तैयारी है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हमें 15 सितंबर तक 50 बसों की सप्लाई मिल जाएगी। उसके बाद अगले 10 दिन में परिवहन विभाग में पंजीकरण किया जाएगा और फिर एक साथ इन बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। इसके बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 300 हो जाएगी। अधिकारी के विकसित होने से विभाग को इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक बसों को लेकर यह भी देखना होता है कि उनके लिए चार्जिंग की सुविधा है या नहीं। अभी तक सरकार का फोकस चार्जिंग स्टेशन को विकसित करने पर था, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। इसलिए अब परिवहन विभाग समयबद्ध तरीके से नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करेगा। ध्यान रहे कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक परिवहन बेड़े में 80% बसें इलेक्ट्रिक रखने का प्लान है। इसके लिए सभी 55 बस डिपो को चार्जिंग स्टेशन के तौर पर बदला जा रहा है। यह काम भी दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 17 डिपो को चार्जिंग स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है राजधानी में। अनुसार, अब DTC के डिपो बेहतर चार्जिंग सुविधा देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अभी तक 3 डिपो राजघाट, मुंडेला कलां और रोहिणी सेक्टर -37 में चार्जिंग की सुविधा है। 17 डिपो को चार्जिंग स्टेशन के सरकार का लक्ष्य 2025 तक परिवहन बेड़े में 80% बसें इलेक्ट्रिक रखने का है तौर पर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इनमें से 5 डिपो सितंबर के अंत तक तैयार हो जाएंगे, बाकी डिपो को इस वर्ष के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। डिपो पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की